आज पढ़ाई से पूरा भरोसा ही उठ गया। क्या हुआ भाई, पेपर कैसा गया? मैं तो पूरा पेपर खाली छोड़ के आया हूँ। क्यों? क्योंकि आप रोज बोलते थे ना फेल मत होना, मेरी इज्जत का सवाल है। तो क्या, मैंने पूरा पेपर देख लिया, आपकी इज्जत का एक भी सवाल नहीं आया। भैया मेरा मोबाइल बंद हो गया था, घर पे कॉल करना है तो मिलेगा क्या? तो पिक्चर देखने चले फ्री हो तो? क्या बोल रहा है बे? अरे फ्री हो तो पिक्चर देखने चले। क्या, क्या बोल रहा है? अरे भैया यही मैं सीधे जा रहा, आपकी बंदी बोल रही पिक्चर देखने चल रही है क्या? सीधे निकल। मैं तो सीधे जा रहा था यार भैया। निकल निकल भैया, पिक्चर देखने का बोल रही है। अरे मैं फोन लेगा क्यों साथ में लाना? क्या फोन फोन तेरे पास है क्या? तेरे बाप का कुछ खाया है क्या? मैंने वो बंदी तेरे मेरे पीछे पड़ी, बंदी मेरे पीछे पड़ी, तू फोन मांग रही है? बर्तन मांज नहीं तो मैं तो क्या कर लेगी? रुक, अभी पुलिस को फोन करके बुलाती हूँ। मैं पति 4 दिनों से खांस रहा है। पता है तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पीठ पीछे कितना कुछ बोलते हैं तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में? हाँ चल मेरे साथ। ओए सारा दिन मेरे साथ रहते हो और मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। भाई तेरी बुराई करने से ना हमें खुशी मिलती है, मेरी पीठ पीछे तू इनसे भी मिलती है। तेरे लड़कियों से बात कर रहा है, चल मम्मी से बोलता हूँ। भैया सॉरी भैया, शादी से पहले तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड? अरे बहुत गर्लफ्रेंड थी। अच्छा कौन सी? अबे एक तो कोने वाली भाभी, आओ सामने जमुना। अबे अभी भी एक पड़ोस में। अच्छा अच्छा, ये बात भाभी को पता है? नहीं भाभी। हाँ मैं बस भैया को घर ही भेज रहा हूँ। कौन है बे? अबे कौन है तू? अबे बोलता क्यों नहीं? भाई गूंगा हूँ मैं, बोल नहीं सकता। गूंगा है तो ले मेरे हाथ भी कटे हुए हैं। थैंक यू दोस्तों, आप हमारी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं और हम भी आपस में बहुत प्यार करते हैं। तू भी बोल ले कुछ। तू भी मेरे को थप्पड़ मार पागल, ये ट्रेंड है। ओके अजी सुनते हो? हाँ जी बोलो। पूजा किया कीजिए, बड़ी भलाइयाँ टल जाएंगी। तुम्हारे पिताजी ने भी बहुत की होंगी, उनकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। आइए इनसे पूछते हैं, आज के माहौल से आपको क्या शिक्षा मिलती है? देखिए इस माहौल से हमें एक चीज तो सीखने को मिली है कि हमेशा दारू को स्टॉक में रखना चाहिए, राशन तो सरकार घर घर जाके दे रही है। भाभी जी, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं नहीं। तो मेकअप क्यों कर रहे हो? अभी तो कहीं आना जाना भी मना है। हम लड़कियों की आदत होती है घर में भी मेकअप करके रहना, इससे टाइम पास भी हो जाता है। टाइम पास हाँ भाई क्या हुआ? अबे लॉकडाउन खुल गया। अच्छा मोर बोले ये पंगुड़ी थारी। आज का सवाल मम्मी के लिए है, लेकिन जवाब ते को देना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई दे देंगे, पूछ। बताओ कौन सा काम है जो बेटा करे तो बुरा और दामाद करे तो अच्छा लगता है? ऐसा कौन काम? अबे बीबी का गुलामी। पढ़ने के लिए जरूरी है अच्छे से सोना।
ये हैवी डायपर लीक कर सकता है। पहनो मैमी पोको पैंट्स, इसका ट्रिप रोशी सुसुको ही करता है। भाई 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 भाभी गिर गई। चल अरे भाई चल भाभी चल 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 भाई भाभी को उठाया क्यों नहीं तुमने? अबे भाई वो नागिन बन रही थी। हेलो डीजे वाले बोल रहे हैं? जी बोलो। मेरी शादी में डीजे बजाना है, चार्ज कितना लगेगा? टाइम कितना चाहिए? दोस्तों की दारू चढ़ने तक बजाना है बस, जब चढ़ जाएगी तो जनरेटर की आवाज पर ही नाच लेंगे। बे कान है बे? अबे अंधा है क्या? बे अंधा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। बॉलर लगता है काफी फास्ट बॉल डालेंगे, काफी स्पीड में लग रहे हैं और देखते हैं पीछे जा रहे हैं, काफी तेज बॉल डालेंगे, लगता है बहुत तेज बॉल डालेंगे, लगता है बॉल लेके नहीं भग जाए, बस बॉल लेके भग जाए। चल नूर एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? देख गेम ऐसा है कि अगर मैं कलर का नाम लूंगा तो तुझे हाथ ऊपर करना है, और अगर मैं फ्रूट का नाम लूंगा तो तुझे हाथ नीचे करना है, और अगर मैं जीती तो मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, और अगर मैं जीता तो तू मुझे 500 रुपए देगी। तू तो गया बेटा। ऑरेंज देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, पर चुगलियों के अलावा और कोई बात नहीं करनी, समझी? पापा पापा मुझे 2000 रुपए देना, मैंने घर का राशन लेके आना है। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो 10 रुपए में सब कुछ ले आता था। पापा आजकल दुकानों में CCTV कैमरे लगे हैं। इधर चल। ये देखो पापा, ये एग्जाम में फिर से फेल हो गई। तुझे पता है गांव से 10 रुपए लेके हम शहर आए थे और आज ये सब खड़ा कर दिया, खुद को देखो तुम। पापा 10 रुपए मुझसे भी ले लो, मेरे लिए भी खड़ा कर दो प्लीज। वैसे एक बात तो सच है, लालच बुरी बला है, हम लोग छुट्टी चाहते थे, इतनी मिल गई हजमीना हो रही। तुम्हारे भाई के 2 दांत खराब है, निकालने पड़ेंगे, 5000 रुपया लगेगा। डॉक्टर साहब दांत के साथ साथ जीवन में निकाल लो, 10000 ले लो। अच्छा अगर वैज्ञानिक महोदय ने ये कहा होता कि ऐसी मशीन लगाऊंगा कि एक तरफ से वाटर डालो दूसरी तरफ से क्वार्टर निकालो, तो वैज्ञानिक महोदय को प्रधानमंत्री बनने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। यार मेरे पापा ने ना अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है ना, वो अपने घर से 10 रुपए लेके निकले थे, आज खुद का घर बना दिया उन्होंने। भाई 20 रुपए मुझसे ले ले, अपने बाप से दो घर मेरे भी बनवा दे। 5 रुपए मुझसे भी ले ले, एक कमरा दिला दियो। ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान ने कोरोना के लिए इंजेक्शन ढूंढ लिया है, बस उसमें भरने के लिए दवा की खोज बाकी है। भाई तुम दोनों कितने बदकिस्मत हो यार। क्यों क्या हुआ? एक तो तुम दोनों की गर्लफ्रेंड नहीं, और ऊपर से इतने दिन का लॉकडाउन। ये देखो मेरी बंदी का फोन आया। हेलो मेला बच्चा क्या कर रहा है? ओ मेला बच्चा बोर हो रहा है, ठीक है गाना सुनाता हूँ। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे लिए ऐसा गाना गाऊंगा? हाँ मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पे, थूक कर दिखाऊं? आए हाय भाई आ? तुझे कभी किसी ने किस किया है क्या? हाँ किया है ना, जब मैं 20 साल का था तो मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक लड़की मेरे पास आई, मुझे किस किया और बोली ए 10 रुपए देना।
ए भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे भाई। अबे जाना। ए भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे भाई। नहीं ये बोला ना, तेरे पास है तो तू मुझे अल्लाह के नाम पे दे दे। या लो। अच्छा कुछ फल जो होते हैं नाम से ही महंगे होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी। ऐसा लगता है कहीं बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई है स्ट्रॉबेरी। आप देखना कभी दुकानों में फल पड़े रहते हैं, जो सस्ते फल होते हैं वो बाहर रेडी पे आए हुए पड़े रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं। स्ट्रॉबेरी अलग से एक डिब्बे में पड़ी रहती है यूं करके। एक्चुअली जितना महंगा फल होता है ना उसको उतनी इज्जत के साथ रखते हैं। स्ट्रॉबेरी यूं करके बैठी रहती है, लगी भी शीशे में होती है, तो दूसरी सब्जियों को चिढ़ा रही होती है। अदरक देखा कभी आपने? अदरक रेडी पे ऐसे पड़ा रहता, दारू पी के पड़ा हो ऐसे, और सब्जी वाला पानी मारता है और ऐसे आंख खोल के देता है, हट गाली दे के फिर सो जाता है हर एक सब्जी का। लेकिन नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, जैसे धनिया है, धनिया नाम से लगता है कि मुफ्त में आता होगा, और अगर कोई पैसे दे के खरीदता भी तो घर जाके बनाता इसकी चटनी होगा, और बेचारे का क्या बनेगा उसका, धनिया का मटर पनीर तो बन नहीं सकता। एक मिर्ची होती है, आप जितनी भी सस्ती ले आओ, ज्यादा खा लो तो बड़ी महंगी पड़ती है। बेबी। हाँ जी। जब मैं तो ऑफिस से घर पे आ रहा था ना, तो ट्रेन में मेरे सामने वाली सीट पे बिल्कुल तुम्हारे जैसी लड़की बैठी थी। अच्छा, तो कैसी लगी आपको? अरे अगर बोला अच्छी लगी तो भी मार पड़ेगी, अगर बोला अच्छी नहीं लगी तो भी मार पड़ेगी, क्या करूं? राजू इधर आओ। हाँ मैम साहब। तुम्हारी ना साहब सो रहे हैं, डांस करें? हाँ मैम साहब। मैं अच्छा सा सॉन्ग प्ले करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चूल।